आईफोन 13 सीरीज़ वाले यूज़र्स, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, iOS 17 अपडेट इंस्टॉल ना करना। फ़ोन में आपको 30-35 हज़ार इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, स्टोरी सुनो। काफ़ी लोगों को ग्रीन स्क्रीन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आप इंटरनेट पर भी चेक करोगे ना, तो ग्रीन स्क्रीन का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ आईफोन 13 सीरीज़ ग्रीन स्क्रीन इशू, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो iOS 17 में अपडेट कर रहे हो वो इशू फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वाला। एप्पल ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर आप देख सकते हो, एप्पल ने थ्रेड लॉन्च किया, वो भी स्पेशली 13 प्रो के लिए। माई 13 प्रो इज़ फेसिंग ग्रीन स्क्रीन ऑफ डेथ इशू। तो दोस्तों iOS 17 में ही ये इशू हो रहा है, ये देख सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अच्छा, मेरे केस में ये ग्रीन स्क्रीन का तो इशू नहीं आया, लेकिन एक इशू है, वो बड़ा गंदा लगता है और ऐसी हार्ट जैसे रुक सा जाता है कि भाई 35 हज़ार खर्च करना पड़ेगा। वो इशू क्या है, जब मेरा आईफोन लॉक स्क्रीन में होता है ना, ऐसे लॉक स्क्रीन में, लॉक स्क्रीन को चालू रखते हुए जब मैं चार्ज लगाता हूँ, तो कभी कभी जो मेरी स्क्रीन है ना, वो ब्लैक हो जाती है। ये सारा वॉलपेपर ब्लैक हो जाएगा और ये जो टाइम दिख रहा है, सिर्फ ये ही वाइट रहेगा। आई डोंट नो ये क्यों होता है, लेकिन 10 में से 4-5 बार मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और मैं नहीं चाहता कि आपके केस में आपका जो फ़ोन है ये आपको इशू दिखाए। iOS 17 में अभी कुछ बग्स हैं जो कि हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो ग्रीन स्क्रीन का इशू है ना, इसके साथ नहीं रहा जाएगा भाई। ये आपके फालतू में अच्छी भली स्क्रीन चल रही होगी ना, इसको कुछ हुआ लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरी स्क्रीन है, लेकिन जब ग्रीन स्क्रीन इशू हो जाएगा, वो भी सॉफ्टवेयर के कारण, तो 35 से 40 हज़ार गए। और यहाँ पर मैं आपको एक इशू दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक iOS 17 का बग है, मेरे iPhone 13 Pro के ऊपर मैंने iOS 17 इंस्टॉल किया है। ये बीटा 8 में भी ये बग है और RC वर्जन में भी ये बग है। मैंने जस्ट कल भी नोटिस किया और एक हफ्ते पहले भी नोटिस किया था। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, ये मैं कॉल वेटिंग आ रही है मेरे को, अंदर कॉलिंग के अंदर ही कॉल आ रही है। और ये जो है iOS 17 की कॉलिंग स्क्रीन में जो नए टेक्स्ट आए हैं और उसके अंदर एक और टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ये बग मैंने स्क्रीनशॉट किया था आपके साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे बग्स हैं, लेकिन जो मेजर बग्स हैं वो ये वाले हैं स्पेशली। और कभी कभी एप्लीकेशंस रैंडमली शट डाउन हो जाती हैं, मतलब होम स्क्रीन पर आ जाता है फ़ोन, और ऑटो रोटेशन की बहुत दिक्कत है iOS 17 में। एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली रोटेट होती रहती हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जैसे फ़ोटोज़ ऐप ओपन किया है, तो वो फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में जो फ़ोटो है वो रोटेट हो जाएगी। कभी कभी ये इशू गेमिंग में भी आ रहा है, जैसे मैं फ़ोन को ऐसे पकड़ता हूँ तो फ़ोन मेरा जो वर्टिकल उल्टा उल्टी स्क्रीन में दिखाएगा। अगर मैं BGMI खेल रहा हूँ, जैसे मैं BGMI को रन कर रहा हूँ, तो दोस्तों जैसे फ़ोन मैंने ऐसे पकड़ा तो स्क्रीन भी ऐसे होनी चाहिए, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन दूसरे बंदे को ऐसे इस तरीके से सीधी होगी, लेकिन मैंने पकड़ा इस तरीके की होगा। ये वाले इश्यूज जो हैं बहुत देखने को मिल रहे हैं। कॉल ड्रॉप का इशू मुझे, मैं iOS 17 को नहीं बोलूँगा, बिकॉज वो मेरी सिम कार्ड का इशू हो सकता है, बिकॉज मेरे एरिया में नेटवर्क कम आते हैं वोडाफोन के। कॉल ड्रॉप का मैं नेटवर्क के रिगार्डिंग इशू नहीं बोलूँगा आईफोन को। मेरे को दो प्रॉब्लम्स बहुत तगड़ी वाली लगी, ये जो ग्रीन स्क्रीन वाली और ये जो कॉलिंग स्क्रीन है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम से बचना है, iOS 17 अपडेट ना इंस्टॉल करना। मेरे को अभी ग्रीन स्क्रीन का इशू नहीं आया, लेकिन बहुत लोगों को, मैंने आपको दिखाया कि ये इशू बहुत लोगों को आया है। यहाँ पर स्पेशली हाईलाइटेड मेंशन है 13 वाली सीरीज़, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स। तो ये जो चीज़ है ना, समझ लो आपकी, अब आपको स्क्रीन ख़राब करवानी है या नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 18 सितंबर को लॉन्च होना है ऑफिशियल iOS 17, इंस्टॉल ना करना। जब 17.1 या 17.2 अपडेट आ जाए तो इंस्टॉल करना। एक दो हफ्ते से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बाय द वे, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंस्टॉल करना चाहोगे या फिर ग्रीन स्क्रीन लेना चाहोगे। सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।